सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइव क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो आज का पहला प्रश्न है, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2015-16। ठीक है, सो अच्छे से करिएगा। 2015-16 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सो पहला ऑप्शन है आपका अरविंद सुब्रमण्यम, बी है सुरजीत भल्ला, सी है अरविंद पनगरिया, या डी है आपका निपेंद्र मिश्रा। तो नीति आयोग, तो नीति आयोग आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है एन से नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आपका इंडिया। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के आपका जो अध्यक्ष थे उस टाइम जो रहते हैं वो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, और आपके डिप्टी आपके थे उस टाइम उपाध्यक्ष अरविंद आपके पनगरिया, ठीक है। अभी के आपके डिप्टी चेयरमैन कौन है जल्दी बता दीजिए, अभी के आपके डिप्टी चेयरमैन कौन है बताइए, जल्दी बताइए, अभी के आपके कौन से हैं? डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, अभी के, जिन्हें वाइस चेयरमैन भी कहा जाता है, ठीक है, बात समझ में आई सभी को? और चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी आपके चेयरमैन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा इन 2015-16। सो 2015-16 में राज्यसभा के विरोधी पक्ष के नेता कौन थे? गुलाम नबी आजाद, मालकी करण गुज खड़े, ठीक है, ऋषि राहुल गांधी, या डी आपके मनमोहन सिंह। सो ए गुलाम नबी आजाद, बी मल्लिकार्जुन खांडे खड़गे, ठीक है, सी आपका राहुल गांधी, या डी आपके मनमोहन सिंह। कौन थे आपके अपोजिशंस के राज्यसभा के लीडर? तो गुलाम नबी आजाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है, सिंहस्ट कुंभ 2016 में किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा, ठीक है, तो आपका बताना है करेक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आपका उज्जैन में, आपका मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया गया था, ठीक है, 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक, ठीक है, 2016 में इसको पूरा संपन्न किया गया, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ, यानी यूएसए का राष्ट्रपति क्या है? शेर, हाथी, मैपल लीफ यानी मैपल की पत्तियां, या बाल्ट ईगल। तो जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो करेक्ट उत्तर होगा आपका बाल्ट ईगल। ठीक है, बाल्ट ईगल राष्ट्रीय प्रतीक हो गया। ठीक है, इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है, बता दीजिए जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट्स कीजिए। यस, करेक्ट उत्तर आपका हो गया जल्दी। सो एनिमल में तो आपका टाइगर हो गया, एनिमल में आपका टाइगर हो गया। ट्री में आपका क्या हो गया, बनियान। ठीक है, एम्बलम में आपका अशोका चक्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको फ्लावर सब पता ही, लोटस, तो इस प्रकार से आपको ये सारे राष्ट्र के प्रतीक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हडसन रिवर इज, ठीक है, हडसन नदी के तट पर बसा शहर, टोक्यो, पर्थ, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका बसा हुआ हडसन नदी के तट पर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, कौन पहली महिला थी जिन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता, आशा पूरन देवी, अमृता प्रीतम, किरण बेदी, अरुंधति रॉय, किन्हें मिला था आपका सबसे पहले साहित्य अकेडमी का अवार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यस, अमृता प्रीतम। ठीक है, इनको सबसे पहले आपका फर्स्ट वन थी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लेइंग इट माई वे इज हिज ऑटोबायोग्राफी, आपको हर ईयर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा जो कि आपका ऑथर, उपन्यास, बुक्स, राइटर्स के ऊपर आपका रहता है। ठीक है, सो प्लेइंग इट माई वे इनका आत्मकथा है। ठीक है, सानिया मिर्जा, युवराज, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किनका आपका ये ऑटोबायोग्राफी है, जल्दी बता दीजिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का ये ऑटोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, यहां से आपको ये चीज देखना है, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह और सुनील गावस्कर कहीं भी आपके बुक्स का नाम आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रॉट फोर चैप्टर्स ऑफ कल्चर, संस्कृत के चार आपका अध्याय किसने लिखा, दिनकर, निराला, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा, तो निराला, दिनकर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आपको बताना है किन्होंने लिखा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो निराला जी के द्वारा फोर चैप्टर्स ऑफ कल्चर, संस्कृत के चार अध्याय लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एस, 28 फरवरी इस प्रकार मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस, विज्ञान दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 28 को। ठीक है, ठीक है, तो और ये सी वी रमन जी के याद में आपका मनाया जाता है, सी वी रमन जी। ठीक है, हमारे तो आपका 28 फरवरी सी वी रमन। ठीक है, अब इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, इंटरनेशनल वुमेन डे, यस, 8 मार्च, वेरी गुड, सभी को पता है 8 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए, यस, 22 मार्च। ठीक है, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड, 22 मार्च। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को। पद्म अवार्ड वेयर डिसकंटिन्यू दिस ईयर बट वेयर रीइंट्रोड्यूस आफ्टर अ फ्यू ईयर्स,
इस वर्ष में पद्म पुरस्कार बंद कर दिए गए थे और कुछ वर्षों के बाद दोबारा शुरू किए गए थे, 1977, 1980, 1984, 1990, ठीक है? तो जल्दी बता दीजिए। सो आपका पद्म पुरस्कार 1977 से लेके 1979 तक के लिए आपके लिए बंद कर दिए गए थे, ठीक है? उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? मुरारजी देसाई, ठीक है? ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, तो आपका 1977, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूले और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको बहुत सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो अच्छे से पूरे क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है? सो पेरिक्सोम्स आर रिच इन, ठीक है, बायोलॉजी का बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। पेरिक्सोम धनी होते हैं किस चीज़ में? ऑक्सीजिकीय एंजाइम में, अपचीय एंजाइम में, या आपका पॉलीसेकेराइड के या डीएनए के, ठीक है? यानी ऑक्सीडेटिव एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम, पॉलीसेकेराइड्स या डीएनए। सो सबसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं ये प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि पीपीआई ट्यूटोरियल में आपको हर चीज़ पूरे ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ बताया जाता है, और पीपीआई ट्यूटोरियल का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द ही है क्वालिटी और ट्रस्ट। सो सबसे पहले जान लेते हैं ये किस चैप्टर से है। तो ये आपका चैप्टर सेल से है, कोशिका से, ठीक है, क्लास 11th, ठीक है? और ये मैंने पेड कोर्स वाले वीडियो में जितने भी स्टूडेंट पेड कोर्स के हैं उनको बता रखा है कि किस प्रकार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से हर साल एक प्रश्न आपका रहता है सेल, ठीक है? तो उसको अच्छे से सिलेबस वीडियो जाके एक बार स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखिएगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको डिटेल में अध्ययन कीजिएगा, ठीक है? सो पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं, सबसे पहले जान ले क्या होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन यानी सिंगल इनका कवर रहता है, ठीक है? और ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजीकरण वाला में आपका पार्ट लेते हैं, ठीक है? और रिस्पिरेशन के अलावा भी ये पार्ट उसमें लेते हैं। सो जो पेरिक्सोम्स आपका होते हैं, आपका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करता है बायोकेमिकल्स का, यानी ये बायोकेमिकल्स, जैसे आपका बायोकेमिकल्स का मतलब हो गया आपका अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, आपका प्यूरिन्स, जितने भी आपका आपका बायोकेमिकल्स है, अल्कोहल्स, आपका टॉक्सिन्स जितने भी हैं, ये आपका बायोकेमिकल्स को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में मदद करती है। इसका मतलब ही होता है आपका ऑक्सीजीकरण, ठीक है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम का मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन कराना, ठीक है? सो ये आपका काम इनका ये है, ठीक है? सो ये आपका मेसोफिल सेल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है? मेसोफिल सेल्स में भी आपका ये पाए जाते हैं, ठीक है? पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ आपका इंटरेक्ट करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्या? आपका मेसोफिल सेल्स में पेरिक्सोम्स आपका इंटरेक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेनस है या सिंगल मेम्ब्रेन वाला, ये होमवर्क है आपको, डिटेल में इसको करिएगा, ठीक है? और पावर हाउस ऑफ द सेल आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स आपका ये पार्ट लेके फोटो रिस्पिरेशन यानी आपका रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है? सो ये एक तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका ये जो पेरिक्सोम्स हैं, ये आपका सेल में पाया जाता है, ये आपका मान के चलिए मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है? इनका काम फोटो रिस्पिरेशन का है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसको एटीपी वाला भी बात आपको पता होगा, ठीक है? सो उसके साथ ये पार्ट लेके आपका फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? फोटो रिस्पिरेशन, ठीक है? फोटो रिस्पिरेशन में आपका ये पार्ट लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक बार सेल चैप्टर को ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, ए टू जेड बायोलॉजी बुक से आपको सेल का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका हर साल आता है। तो ये वीवीआई चैप्टर से, और आपको मैंने वो डिटेल वाले वीडियो में बता रखा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और जो भी पेड कोर्स वाले हैं, ज्ञान की बात वाला जो वीडियो है आपको स्टडी मटेरियल में, वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ से आपको मैंने हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में कैसे तैयारी करना है, कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब बता रखा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द लेग्यूमिनस प्लांट डैट इज ग्रोन फॉर बोथ प्रोटीन एंड ऑयल एंड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क, वह फलीदार पौधा जो प्रोटीन एवं तेल दोनों के लिए उगाया जाता है तथा दूध का विकल्प सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज होता है, तो आपका बताना है ये क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, तो कैजिनस कजांस, ठीक है आपका, फिर साइलर एंटिनम, ठीक है साइसर एंटिनम, फिर आपका सी ग्लाइसिन मैक्स और डी आपका विग्ना रेडिएटा, क्या होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, तो सही उत्तर होगा ग्लाइसिन मैक्स आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, ये बस एज अ रिमेंबरिंग पार्ट है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दोगे तभी चलेगा। ठीक है, इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक वन वर्ड आंसर की तरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट जो कि प्रोटीन और ऑयल दोनों के लिए तथा दूध का सब्स्टिट्यूट यानी दूध के जगह पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, अल्थ्रॉक्स इज फाउंड इन, यानी अल्थ्रॉक्स आपका पाया जाता है बहुत आपका लवणीय जल में, ठीक है ठहरे हुए जल में, बहुत आपका स्वच्छ जल में या ठहरे हुए लवणीय जल में। ठीक है, तो इन रनिंग सलाइन वाटर, इन स्टेंजेंट क्लीन वाटर, इन रनिंग क्लीन वाटर या इन स्टेंजेंट सलाइन वाटर, अल्थ्रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर्स पे मैं हमेशा फोकस करवाता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा बाय हार्ट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको याद हो। ठीक है, सो आपको अल्थ्रॉक्स आपका है, यूलेथ्रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका इन रनिंग क्लीन वाटर। ठीक है, इन रनिंग क्लीन वाटर, इसको भी आपको बस याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, कि जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा ए टू जेड सेल पूरा अच्छे से पढ़ने पे, जेनेटिक्स चैप्टर हो गया आपका, फिर आपका डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब आपका पूरा ए टू जेड करना है आपको विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा ड्यू टू, ठीक है तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इसका ई हट जाएगा। ठीक है, ऑल्थ्रॉक्स होगा। ठीक है, सो ऑल्थ्रॉक्स आपका एक तरह का क्या है, ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं, ग्रीन कलर का फ्लिंट इसका फिलामेंटियस आपका स्ट्रक्चर्स रहता है, एक तरह का क्या है, सैवाल है, एल्गी है। ठीक है, सो आपका ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक, ठीक है एक्सेट्रा, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका स्पायरोगैरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पायरोगैरा। ठीक है, ये आपका प्लांट किंगडम से भी अब इसमें अटैच हो गया, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों। स्पायरोगैरा आपका ग्रीन एल्गी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है हरा सहवाल का। ठीक है, और आपका ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये भी रिवर्स और पॉन्ड्स में रहता है। ठीक है, आपका फिर एक्टोकार्पस, ठीक है ये आपका एक्टोकार्पस, ये आपका क्या है, ये आपका ब्राउन एल्गी है, और ये ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी मैंने आपको अलग से स्पेशली करा रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो वो भी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सो ये आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स वाले में, पूरा ग्रीन आपका ग्रीन रेड और ब्राउन तीनों एल्गी, यानी लाल एल्गी आपका, फिर भूरा सहवाल और हरा सहवाल पे पूरा उसका कैसे स्टोर होता है फूड ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैंने वहाँ डिटेल में बता रखा है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और एल्गी वाला पार्ट और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर ये एल्गी वाला पार्ट आपको मैंने वो उसमें किस चैप्टर से किस टॉपिक से है वो भी बता रखा हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सो चैप्टर नंबर अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ड्यू टू, ये भी प्लांट किंगडम के ऊपर है, किस कारण आपका ब्रायोफाइट्स आपका टेरिडोफाइट से भिन्न होता है। ठीक है, ये चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं, स्विमिंग एंथ्रोजोइट्स की वजह से, एंथ्रोजोइट्स का यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना है, स्वतंत्र आपका गेमोफाइट्स की वजह से। ठीक है, तीसरा आपका आर्चिगोनिया की वजह से, और डी है आपका एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से कैसे अलग होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा आपका यूनिट 1 क्लास 11th का VVVVI है, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम, क्वेश्चंस हर साल आपको रहेगा। ठीक है, और इस साल भी रहेगा, इसके पिछले साल भी आया था, हर साल रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स को अच्छे से ए टू जेड आपको रीड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी या जो भी भारतीय पब्लिकेशन का आपके पास बुक है। ठीक है,
सो ब्रेव फाइटर डिफर फ्रॉम थर्टी टू फाइटर आपको बताना है, ठीक है। सो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट उत्तर आपका होगा एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू के एब्सेंस के वजह से। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, तो इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और आपको मैं यहाँ पर भी अच्छे से टेरिडोफाइट्स और आपका ब्रायोफाइट्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस पता है, आपको वास्कुलर टिश्यूज़ का एब्सेंस रहना, आर्चिगोनियम, फिर आपका इंडिपेंडेंट आपका गैमेटोफाइट यानी मोटाइल स्पर्म्स, ठीक है। सो फिर आपका तैरने वाले एंथ्रोजोइट्स। सो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। सो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपका, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का आपका मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, एक मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है, हैप्लॉयड रहता है, ठीक है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड याद है आपको, ठीक है, हैप्लॉयड रहता है। दूसरा, इसमें ट्रू रूट्स नहीं रहते, यानी जड़ नहीं रहता पूरा सही, ना लीव्स भी नहीं रहते, ट्रू लीव्स भी नहीं रहते, दोनों आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका हो गया वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है, वास्कुलर टिश्यू आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहीं पे आंसर मिल गया हमें, एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका आर्चिगोनियम विथ अ लॉन्ग नेक हैविंग सिक्स वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, ठीक है, जो आर्चिगोनियम रहेगा इसमें आपका लॉन्ग नेक का रहेगा और उसमें छः आपका वर्टिकल रोज होंगे ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर आपका पांचवा पॉइंट है कि स्पोरोफाइट इज कैप्सुलर, जो स्पोरोफाइट रहता है वो आपका कैप्सुलर रहता है, ठीक है, यानी कैप्सूल्स, ठीक है, और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट के ऊपर आपका पूरा डिपेंडेंट रहता है। छठा पॉइंट आपका ये है कि आपका, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स में चलेंगे, ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइट, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपका मेन प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड डेप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स आपका क्या रहता है, हैप्लॉइड, ये क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है, टू एन मतलब। दूसरा पॉइंट है आपका, इसमें ट्रू रूट्स यानी रूट्स रहते हैं और ट्रू आपका लीव्स भी रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि इसमें वास्कुलर आपका टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अभी वास्कुलर टिश्यू क्या है, जाइलम और फ्लोएम, सबको पता ही है, ट्रिक भी बता रखा हूँ, ज से जल यानी ज से जाइलम, जाइलम यानी आपका, जाइलम जल का आपका कंडक्शन करता है, और फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ्लोएम आपका फूड कंडक्ट करता है, ये तो आपको पता है वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। चौथा, आर्चिगोनियम जो रहता है इसमें, चिगोनिया, वो आपका हैविंग फोर वर्टिकल रोज, इसमें चार रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स हो गया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, और एक बार अच्छे से अपने एनसीईआरटी या भारतीय वन क्वालिफिकेशन बुक से पढ़िएगा और अच्छे से चैप्टर नंबर वन से लेके फोर तक कीजिएगा कम से कम, ठीक है, बहुत वीवीआई है, क्वेश्चन हर साल आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, एक बार लाइक कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। हेट्रोस्पोरी डिस्कवर्ड इन, हेट्रोस्पोरी की खोज किसने, किसमें हुई थी, ठीक है, लाइकोपोडियम, सेलिंगेना, या आपका एक्वेस्टम, या आपका ओफियो ऑल्गोसम, किसमें हुई थी आपका हेट्रोस्पोरी। अब हेट्रोस्पोरी होता क्या, पहले ये जान लेंगे तभी तो समझेंगे कि क्या होता है हेट्रोस्पोरी, तो चलिए जान लेते हैं। सो हेट्रोस्पोरी का बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से आया है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी आपका क्लास 12th से आया, यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वाला चैप्टर जो है आपका पौधों में, वहाँ से आया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है, तो हेट्रोस्पोरी का अर्थ होता है कि आपका स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी आपका माइक्रोस्पोर्स आपका प्रेजेंट, यानी बोथ मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक ही पेड़ से, उसको बोलते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स का बनाना, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है आपका, डिफरेंट, ठीक है, यानी दोनों टाइप्स का आपको हेट्रो आपका कहलाएगा वो, ठीक है। सो ये आपको अब जानना जरूरी है कि कौन हेट्रोस्पोरी है, कौन नहीं है, ठीक है। सो आपका उत्तर में देखा जाएगा
तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? करेक्ट उत्तर आपका हेटरोस्पोरी जो होगा सेलेंगेना, ठीक है। ये आपका हेटरोस्पोरी यानी आपका दोनों तरह का, यानी माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा और आपका मेगा स्पोरेंजिया दोनों, ठीक है। तो मेल आपका मेगा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और मेगा स्पोरेंजियम आपका फीमेल वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेटरोस्पोरी सीड्स बनाते हैं, ठीक है, सीड्स, ठीक है। तो हेटरोस्पोरस प्लांट में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। सो सेलेंगेना आपका उस टाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया और बाकी बात करेंगे लाइकोपोडियम, जो आपका ये है, एक टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, जिससे इससे पहले पढ़े थे, ठीक है। और इक्विस्टम क्या है आपका? इक्विस्टम भी आपका टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेल एनोफिलिस डिफर फ्रॉम फीमेल एनोफिलिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो नर एनोफिलिस होते हैं मादा एनोफिलिस से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है, पंखों के रंग में, ठीक है, आपका मैक्सिलरी पल्प की लंबाई में, ठीक है, यानी पंख की लंबाई में, घने पंख युक्त एंटीना से, ठीक है, और आपका प्रोबोसिस की लंबाई से, प्रोबोसिस, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बता दीजिए। और एक और होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका फीमेल और मेल एनोफिलिस में, मेल जो होते हैं वो आपका नेक्टर के ऊपर यानी मध के ऊपर यानी प्लांट्स से आपका लेते हैं और फीमेल हमारा खून पी के, ठीक है। तो फीमेल्स हमेशा आपका पता ही है, फीमेल एनोफिलिस खून पीती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मेल एनोफिलिस कैसे डिफर करोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है? अबरी बार कोई आपका हाथ पे बैठे मच्छर तो उसको एकदम खून पीने देना और देखना सामने से, ठीक है, जो आपका खून पी रहा है और जो सिर्फ घूम रहा है आपके आसपास उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो खून पी रहा हो तो फीमेल एनोफिलिस है, वो तो 100% हमें पता है, लेकिन एकदम पास से देखना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नहीं तो नेट पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा? सो आपका जो माइक्रोस्कोप के अगर हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल का, तो जो प्रोबोसिस होता है आपका यानी डी प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस जो होता है यानी जो डंक होता है वो आपका वाइड होता है मेल में, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। और क्योंकि इन्हें आपका फल आपका फूल से आपको नेक्टर चूसना रहता है, ठीक है, और फेदरी रहता है, ठीक है, फेदरी। जबकि आप फीमेल का देखोगे तो बहुत ही पतला और लंबा रहेगा क्योंकि इसे बॉडी के अंदर जाना रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है। तो प्रोबोसिस की लंबाई ज़्यादा लंबा होता है फीमेल में, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इन नीच इज फील्ड बाई जोक यानी लीच में। ये आपका क्लास 11th का बुक से है। जोक यानी लीच में शरीर आपका भत्ती एवं आहार नाल के माध्यम का आपका जो स्थल होता है किस चीज़ से भरा होता है? बाई ब्लड, बाई म्यूकस सेल, बाई वर्ट्रेपोडल टिश्यू, बाई हिरोडेन, किसके द्वारा भरा रहता है? ये तो सभी को पता होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, बता दीजिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये याद करने वाला है, ठीक है, कि आपका वर्ट्रेपोडल टिश्यू से, यानी आपका स्पेलिंग ऐसे तो इसका ये होगा VOTRYOIDL, वर्ट्रेपोडल आपका टिश्यूज से होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट इसको एज अ रिमेम्बरिंग पार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का था तो हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी छोड़ा जाता है क्वेश्चन तो पता चलता है वही क्वेश्चन ना आ जाए, तो वो रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। और एग्जाम हम लोगों के लाइफ में हमने सबने देखा जो क्वेश्चन छोड़ के जाया जाता है पता चला वही आ गया, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्या सही बात है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यसेनेरिया पेस्टिस इज, ठीक है, क्या है आपका? प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी, स्निफिल्स, बताइए क्या है ये? प्लेग में आपका आता है किसके लिए, मतलब जो यसेनेरिया पेस्टिस है किससे क्या होता है? प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी या स्निफिल्स, जल्दी बता दीजिए। बहुत ही इजी सवाल, ठीक है,
आपका यर्सिनेरिया पेस्टिस क्या है? यर्सिनेरिया पेस्टिस ये आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है, प्लेग, ठीक है। और ये क्या है, एक ग्राम नेगेटिव आपका फल्केटेटिव, इस पे आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिखा होगा, फल्केटेटिव एनारोब्स और एरोब्स, ये एनारोब है यानी आपका वायु के बिना एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, वोपिंग कफ किसके द्वारा काउज होता है, लेप्रोसी, स्नेफिल्स, वीवीआई, वेरी वीवीआई, आप उस स्नेफिल्स पे आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से कीजिएगा होमवर्क जो भी देता हूँ, ठीक है, और होमवर्क को अच्छे से किया कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम प्लांट है, यानी आपका आलू, यूफोरबिया, ठीक है, मक्का या गन्ना, कौन सा है आपका? तो यहाँ आपका बताना है आपको सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सो करेक्ट उत्तर होगा आपका बी, यूफोरबिया। पोटैटो, मेज और सुगर ये तीनों आपका क्या हो जाते हैं, एनर्जी क्रॉप्स, यानी एनर्जी देने वाले क्रॉप्स है, ठीक है, यानी एनर्जी आपका ये बायोफ्यूल्स यानी बायो आपका यूज होते हैं एज अ, ठीक है, ठीक है। और आपका जो यूफोरबिया है ये आपका पेट्रो प्लांट है, यानी ये पेट्रोलियम के टाइप का प्लांट होता है, क्यों, क्योंकि ये टर्पिनॉइड्स बनाता है, ठीक है, टर्पिनॉइड्स बनाता है, तो उस वजह से, ठीक है, तो ये आपका हो गया सही उत्तर, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है, क्योंकि ये आपका पेट्रो प्लांट हाइड्रोकार्बन्स के रूप में टर्पिनॉइड्स बनाता है, ठीक है, टर्पिनॉइड्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केरला के आपका जो सेंचुरी है पेरियार वाला, वो आपका बताना है किस चीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, ठीक है, हाथियों के लिए, आपका वेलर पक्षी हेतु, चीता के हेतु, या भ्रमणशील पक्षी हेतु, तो आपको बताना है किस लिए फेमस है। सो साउथ साइड आपको पता है एलिफेंट्स बहुत हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ हैं, साउथ साइड, तो एलिफेंट्स के लिए आपका फेमस है, ठीक है, तो एलिफेंट्स करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से जीके और प्लस इन्वायरमेंटल टाइप का क्वेश्चन है, इकोलॉजी से समझ सकते हो, यानी क्लास ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर से। तो ये था आज का पूरा क्लास, और जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म आने पर आपको मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होगा, तो पीबीआई ट्यूटोरियल लिख के सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, बाय बाय।